शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत। सीबीआई वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। केजरीवाल को उतनी ही राशि की 2 श्योरिटी भी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी सशर्त जमानत। कहा ईडी वाली शर्त इस केस में भी लागू होगी। जमानत से पहले कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को जब माना। सीबीआई ने शराब घोटाले के मामले में 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। जमानत की शर्तों के मुताबिक सीएम ऑफिस नहीं जा सकेंगे केजरीवाल। बहुत जरूरी हुआ तब फाइलों पर दस्तखत करने की मंजूरी। केस को लेकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर मनीष सिसोदिया ने कहा झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में आज फिर से सत्य की जीत हुई। मनीष सिसोदिया ने कहा आपको बहुत याद किया। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। केजरीवाल की जमानत पर सौरभ भारद्वाज का केंद्र सरकार पर हमला। कहा कोर्ट ने जांच एजेंसियों के बारे में जो कहा वो केंद्र सरकार के लिए बड़ी फटकार। गृहमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल को खत्म करने की कोशिश हुई। जल्द ही तानाशाह का अंत होगा। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा। केजरीवाल की जमानत पर पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा आखिरकार सत्य की जीत हुई। सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। केजरीवाल को जमानत मिलने पर चंडीगढ़ में आप कार्यकर्ताओं का जश्न। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरके कार्यकर्ता। केजरीवाल जिंदाबाद के लगाए नारे। केजरीवाल की जमानत पर आरजेडी नेता मनोज झा का बड़ा बयान। बोले ऐसा होना ही था। सभी फर्जी मामले दिल्ली बीजेपी कार्यालय में रचे गए। केजरीवाल की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव पहटिया का पलटवार। बोले भ्रष्ट और कट्टर बेईमान को सशर्त जमानत मिली है। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हुआ। गौरव भाटिया ने कहा केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की सीबीआई पर सख्त टिप्पणी। बोले सीबीआई को अपने पिंजरे में बंद तोते की छवि को बदलने के लिए काम करने की जरूरत। संजय सिंह ने तोता मैना वाले बयान पर गौरव भाटिया का पलटवार। कहा सीबीआई अब पिंजरे का तोता नहीं बल्कि बाज बनकर भ्रष्टाचारियों को नोच रहा है। सुप्रीम कोर्ट की एक और बड़ी टिप्पणी। कहा ईडी मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखा गया और ये न्याय का मजाक उड़ाने जैसा होगा। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर हो।